ये देखो यहाँ पर हो रहा है फोटो शूट, तो थोड़ा प्लान में चेंज और गाड़ी में भी चेंज। गुड मॉर्निंग और एक नए दिन की शुरुआत, और आज सेकंड लास्ट डे हम लोग का गोवा में। कृतिका का तो आज लास्ट डे क्योंकि आज निकल जाएगी वो, तो उसके लिए अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और पैरा रोड है वहाँ पर जाएंगे। ये देखो गूगल मैप मैंने सेट कर दिया है और अभी वहाँ पर एक दो फोटो मतलब अच्छे वाले निकाल के फिर रिटर्न आएंगे होटल की ओर, वह जाएंगे फोटो निकालेंगे। ये देखो ये है कोकोनट ट्री वाला रोड, एक नंबर मस्त मज़ा आएगा। सो बेसिकली ये वो रोड है जहाँ पर बहुत सारे पिक्चरों की शूटिंग होती है, बहुत सारी। तो अभी थोड़ा फोटो शूट कर लेते और फिर मिलते। ये देखो यहाँ पर हो रहा है फोटो शूट, ये रहा पैरा रोड, कोकोनट ट्री रोड। ये साइड से शुरू होता है और वो साइड से शुरू होता है, और एक दो फोटो निकलते और निकलते। चलो हो गया जी फोटो शूट, लास्ट टाइम भी आया था तभी भी नहीं गया था, ये टाइम पे आया तो कर लिया फोटो शूट। फोटो शूट मतलब इतना ऐसा कुछ भारी नहीं, बट थोड़ा बहुत निकाल लिया। अभी जाएंगे रूम पर और किसी को तो भी टाटा बाय बाय खबराएंगे, क्योंकि उसका कल ऑफिस भी है और एक दो काम भी है उसके पेंडिंग, तो वो उसे करने है, इसके लिए अर्जेंट निकल जाएगी वो। तो थोड़ा प्लान में चेंज और गाड़ी में भी चेंज। मेरा गाड़ी उधर है और ये सुमित भैया का गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ। हाँ इतने बाजूला है बोलता कुछ तरी याला माहिती, ये हिमालयन से ज़्यादा ऊंचा हो गया अभी। ऐसा मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खुद का गाड़ी बाजू में देख रहा हूँ, मेरे को मेरा गाड़ी देखने का ऐसा आदत ही नहीं है बाजू में। सुमित भैया का गाड़ी भी भारी है एकदम, अभी सीट चेंज किया है तो हाइट भी एकदम बढ़ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं गैरेज कैफे के जस्ट थोड़ा बाजू में है कुछ खाने के लिए, उसके बाद जाएंगे इवेंट द नेक्स्ट डे। ऑल राइट सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। इट्स 11:45 आई गेस, ये टाइम पे निकल रहे क्योंकि थोड़ा थोड़ी देर में धूप निकल जाएगा और उसके बाद हम लोग आराम से गाड़ी क्रूज कर सकते हैं, इसके लिए ये टाइम चूज़ किया है। तो प्लान आज का सिंपल है एकदम, अभी यहाँ से सीधा जाएंगे मुंबई। मुंबई जाते जाते हम लोग कहीं पर तो लंच भी करेंगे और आई गेस डिनर भी हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें करने के लिए थोड़ा बहुत हमें गाड़ी भगाना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि जल्दी घर पहुँचना है। आज के दिन तो नहीं पहुँचेंगे इतना तो पता है, बट विल मेक श्योर कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाए, एटलीस्ट 3 बजे तक अगर पहुँच गए रात के तो वेल एंड गुड, तो कल थोड़ा ऑफिस जा सकते हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा खाई है भाई, लेट हिम गो। आपको ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लगा? मुझे इतना ज़्यादा व्लॉग करने को नहीं मिला क्योंकि मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, अगर सच बोलने जाऊँ तो मैं एंजॉय कर रहा था इवेंट, इसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि व्लॉग करते बैठूँ, बट जितना हो सके मैंने किया। और फिर से अभी अगले साल देखते हैं आना है नहीं आना है क्या है।
वो सब आगे की बात है। अभी किलोमीटर्स मेरे एक बाइक पर हुए हैं 906 मतलब थोड़ा 904 थे जब मैं निकल रहा था तब से, बट अभी 906 है, मतलब 2 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला दी। और अभी इसके बाद आई गेस रीसेट हो जाएगा मीटर, तो वो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। 906 अभी मैं लिख के रखूँगा कहीं पर, तो ताकि मुझे आइडिया आ जाए। फाइनली हम लोग कोल्हापुर पहुंच चुके हैं। रंकाया चौक ये है, यहाँ पर हम लोग अभी पहुंच कर थोड़ा 5 मिनट के लिए रुके क्योंकि बाकी के लोग जो है वो आने वाले हैं अभी, तो उनके लिए रुका हूँ। यहाँ पर कुछ तालाब है यहाँ पर, और ये जो स्तंभ ऐसा कुछ है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है, इसके लिए रुके थे। और थोड़ा बाकी लोग भी यहाँ से आएंगे, यहाँ से तो वो आने तक का थोड़ा वेट कर दे और आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से हाईवे लगभग मेरे हिसाब से 20-21 किलोमीटर भी नहीं रहेगा, तो आधा घंटा लगेगा। बाकी ये देखो भावेश बोलना, और आगे ये है दीपक वगैरह, ये लोग आए अभी, 2-3 लोग अभी पीछे बाकी है, तो उन लोग को आने के बाद फिर निकलते। ये आ गए सब लोग पीछे से, कुणाल, ये अपना क्षितिज, ये तो साथ में था, और ये अपने बड़े भैया। कितने किधर थे इतना टाइम, इतना टाइम किधर थे? चला ही रहा था गाड़ी, आप लोग उड़ाते हो परिवार वालों, धीरे धीरे आ रहा था। मैं क्या देखा मैंने ऐसे, चलो निकल दे अभी, इतना भी निकल दे और मिलते सीधा बाइक पर। हाँ, ये 4th फ्यूल अप है मेरा ये पूरे ट्रिप का, और अभी यहाँ आगे कहीं पर तो रुकने वाले खाने के लिए, देखते हैं। अभी तक 7 तो बजे अभी। वाह, फाइनली हम लोग अभी लोनावला के थोड़ा ही नज़दीक है, ये लगा शेडुंग का टोल, यहाँ पर अभी चाय हम लोग पी रहे, आखिरी वाला, आखिरी मतलब इसके बाद भी शायद हो सकता है, लेकिन मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर चाय पी रहे। बहुत टाइम से जो वेट कर रहे थे चाय पीने का, तो यहाँ पर चाय पी रहे, और इसके बाद अभी शायद 2 घंटा लग सकता है क्योंकि लोनावला उतरना है नीचे, खोपोली भी नीचे उतरना है, और उसके बाद जो अपना पनवेल वाला रोड, वो जो ख़त्म नहीं होता है वो वाला रोड बैर करना है, तो वो सब करके घर पहुंचेंगे। शायद 4 बज जाएगा, 4-4:30 बज जाएगा। अभी चाय पीकर थोड़ा और एक चाय पी, तो एक ऑलरेडी मैंने एक चाय और एक कॉफ़ी पी लिया है, अभी और एक चाय पी लूँगा और फिर निकलेंगे और सीधा मिलेंगे घर पे, या तो फिर देखते, जो भी है आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर नहीं भी मिला तो भी ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि अभी पता नहीं मैं घर जाने के बाद व्लॉग करूं या नहीं करूं, तो ये वाला व्लॉग ख़त्म कर दे और अभी सीधा घर पर पहुंचते हैं। अभी 2 घंटा है, तो 2 घंटा अभी थोड़ा बेर करना पड़ेगा मुझे, नींद तो वैसे नहीं आ रही है बट करना पड़ेगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए चलिए, नाइट सेफ।